नमस्कार दोस्तों, आइए मैं आज फिश का एक और रेसिपी लेकर आई हूँ। ये मेरे पास ना तो ज़्यादा बड़ी और ना छोटी फिश है। इनको मैंने इस तरह से साफ करके और नमक हल्दी लगा कर रख दिया। ये आधा केजी है, यानी आधा किलो। इसके लिए मैंने कुछ आलू भी ले लिए। बड़े आलू हो तो 4 पीस कर लीजिए और छोटे आलू होंगे तो 2 पीस। और इनके लिए मसाला क्या क्या चाहिए चलिए देखते हैं। सरसों तेल, पानी, सरसों, आप काले सरसों की जगह पीला सरसों भी यूज कर सकते हैं, वो थोड़ा कम कड़वा होता है। ये थोड़ा कड़वापन होता है इसमें, तो मात्रा का ध्यान रखिएगा। अगर ये 1 चम्मच लेते हैं तो धनिया पाउडर उससे दुगना लीजिएगा या तिगुना। तो सरसों, अदरक लहसुन का पेस्ट 3 चम्मच, बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता, 2 टमाटर बारीक कटे हुए, हरी मिर्च आप चाहे तो इस तरह से चीरा लगाइए या इस तरह से बारीक काट लीजिए, नमक स्वाद अनुसार, काली मिर्च 1/2 चम्मच, जीरा 1/2 चम्मच, लाल मिर्च 1 चम्मच, हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच से थोड़ा ज़्यादा और धनिया पाउडर 2 चम्मच। ये तड़के में 5 फ़ोरन। तो चलिए अब मैं दिखाती हूँ मैं इसको कैसे बनाती हूँ। ये थोड़ी सी ग्रेवी वाली बनेगी, तो अब मैं बनाना शुरू करती हूँ। और ये तेल में डालती हूँ कढ़ाई में। ये देखिए मैंने इसमें तेल डाल दिया और अब हमारा ये तेल गर्म हो रहा है। तो इन मछलियों को मैं फ्राई कर लेती हूँ। चलिए चेक करते हैं, 1 ही हुआ। जी हाँ, अच्छी तरह हो गया तेल। और अब मैं इसमें मछलियाँ डाल के फ्राई कर लेती हूँ। ध्यान से कि मछलियाँ उड़ती भी हैं, छीटे आते हैं हमारे शरीर से, तो चलिए इनसे सुनहरा होने तक कर लेते हैं। चलिए हमारी जब तक मछलियाँ सुनहरा होती हैं तब तक हम मसाला तैयार कर लेते हैं। तो चलिए मैं 2 चम्मच सरसों और सभी सूखे मसालों को डाल के एक पेस्ट बना लेती हूँ। 5 फ़ोरन को छोड़ के सभी मसालों को हम इसमें डाल देते हैं। याद रखिए सरसों अगर 2 चम्मच है तो हमारा धनिया कम से कम 4 चम्मच होना चाहिए, वरना हमारा ग्रेवी जो है वो कड़वा लगेगा। पीला सरसों होता है वो थोड़ा कम कड़वा होता है। तो चलिए हम थोड़ा सा पानी डाल के इसका एक पेस्ट तैयार कर लेते हैं। ये देखिए मैंने सारी फिश तल ली और ये मैंने मसाला भी तैयार कर लिया। अब मैं इन आलुओं को थोड़े से हल्दी और नमक के साथ फ्राई करूँगी इसी तेल में। इसमें थोड़ा सा नमक और बिल्कुल ज़रा सा हल्दी डाल के हम इसे फ्राई कर लेंगे। चलिए हम इसे कवर कर लेते हैं और इसे फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए हमारा आलू सुनहरा होना शुरू हो गया। अब मैं इसको एक साइड करूँगी और इसमें 5 फ़ोरन डालूँगी। मैंने 5 फ़ोरन डाल दिया और अब मैं इसे होने देती हूँ, क्योंकि आलू को मैंने फ्राई कर लिए और मैं इसके साथ ही मैं मसालों को भूनूंगी। ये देखिए हमारा आलू थोड़ा हो गया, मैं 5 फ़ोरन हो जाए। आप आलूओं को निकाल भी सकते हैं और तब आप मसाले भून लीजिए, पर मैं इनके साथ ही भूनूंगी। ये देखिए हमारा 5 फ़ोरन हो गया। हम इसको ज़्यादा नहीं चलाएंगे, नहीं तो ये हमारा देखिए लाल हो गया मेथी, नहीं तो ये कड़वा लगेगा। तो चलिए मैं एक एक करके सभी मसाले डाल देती हूँ। ये मेरे पास 3 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये डाल दिया मैंने। अब मैं इसमें टमाटर डालूँगी, और आँच अब मैं कम रख रही हूँ और
अब मैं इसमें हरी मिर्च डालूँगी। आप में अपना स्वाद अनुसार आगे पीछे कर सकते हैं कम ज़्यादा, क्योंकि मैं इसमें काली मिर्च भी डाल रही हूँ और लाल मिर्च भी। अब मैंने जो पेस्ट तैयार किया था अब मैं वो डालूँगी। इसमें अदरक लहसुन सॉरी धनिया काली मिर्च जीरा सरसों और हल्दी है और लाल मिर्च। तो अब मैं इनको भून लेती हूँ। चलिए मैं इसमें नमक डाल लेती हूँ स्वाद अनुसार, एक चम्मच के लगभग, या आप कम खाते हैं तो इससे कम रखिए और तेज खाते हैं तो तेज। ये देखिए हमारा मसाला भूनना शुरू हो गया। चलिए अभी कुछ देर और हम इसको भून लेते हैं। ये देखिए हमारा मसाला भून गया। अब ये देखिए आप देख रहे हो तो तेल किनारे छोड़ रहा है। तो अब मैं इसमें पानी डालती हूँ और आलू भी देख लेते हैं हम। ये देखिए हमारा आलू भी लगभग हो चुका है। तो पानी हम उतना ही डालेंगे जितना हमें ग्रेवी चाहिए, तो ज़्यादा पानी नहीं डालूँगी मैं। ये ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि हमारे आलू हो चुके हैं और फिश भी फ्राई हो चुकी है। तो मैं इसे ढकती हूँ। आप इसमें और भी सब्ज़ियाँ डाल सकते थे, जैसे गोभी को फ्राई करके फूल गोभी को। तो चलिए हम इसे उबलने देते हैं और एक उबाल आने के बाद हम फिश डालेंगे और बंद कर देंगे। तो चलिए दोस्तों हमारा ग्रेवी उबल रहा है और मुझे इतने ही गाढ़ी चाहिए, इससे ज़्यादा गाढ़ा अच्छा नहीं लगेगा। तो चलिए मैं इसमें धनिया पत्ता ऐड करती हूँ और फिश को भी मैं डाल देती हूँ। चलिए एक उबाल आ गया है और अब मैं इसे बंद करती हूँ और सर्व करती हूँ। तो ये लीजिए दोस्तों, तैयार हो गई हमारी ये छोटी मछली आलू के साथ। तो याद रखिएगा इसको तलने के बाद ग्रेवी में ज़्यादा देर तक मत उबालिएगा, इसको डाल के बस एक उबाल लगाइएगा, वरना ये टूट जाती हैं, छोटी मछली है। तो चलिए बनाइए खाइए और अपने दोस्तों को खिलाइए मेरे तरीके से, और मुझे ज़रूर बताइए कैसी लगी आपको ये मस्टर्ड सीड के पेस्ट में ये मछली। तो बताइएगा ज़रूर, आप अपना तरीका भी बताइए। मैं और भी फिश की डिश लेकर आऊँगी, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।